नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम वर्टिब्रल कॉलम, जिसे बैकबोन भी कहते हैं या जिसे कई बार स्पाइन भी कहते हैं, स्पाइन हड्डियां होती हैं, उसमें बीच में गैप होता है हड्डियों के ऐसे जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड जो गुजरती है। तो ये जो स्पाइन है आप देख रहे हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो स्ट्रेट नहीं होती है। स्ट्रेट एक हड्डी है, सिंगल हड्डी नहीं होती है, बल्कि ऐसे ऐसे कर्व्ड होती है। इसमें होते हैं वन, पहला कर्व, यहां पे दूसरा कर्व, यहां पे तीसरा कर्व और ये चौथा। इसमें चार कर्व्स होते हैं, है ना। तो ये कितने कर्व्स होते हैं रीढ़ की हड्डी में? चार कर्व्स होते हैं। और रीढ़ की हड्डी अगर एक हड्डी होती तो आपको उठने, बैठने, चलने में, झुकने में, बॉडी को कुछ भी काम करने में बड़ी दिक्कत आती। तो ये सिंगल हड्डी ना होकर ये बहुत सारी हड्डियां, इस प्रकार बहुत सारी हड्डियों का मिलके आपकी रीढ़ की हड्डी बनती है। अगर आप हाथ लगाएं पीछे रीढ़ की हड्डी पे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी हड्डियां, आपको समझ में आता है कि हाँ हाँ बहुत सारी हड्डियों का जोड़ है। इन हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, इसमें इनसे बनता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। टोटल कितनी? 33 हड्डियां होती हैं। इन हड्डियों को बोलते हैं वर्टीब्रे, वर्टीब्रा एक को बोलते हैं, और 33 वर्टीब्रा मिलके इसका प्लूरल मतलब बहुवचन हो जाता है, वर्टीब्रे, वर्टीब्रे। और वर्टीब्रे से, 33 वर्टीब्रे से मिलके बनता है आपका वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम एक कॉलम बन गया। इस कॉलम के बारे में हम इस लेक्चर में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो रीढ़ की हड्डी है, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम जिसमें प्रेजेंट होता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, है ना। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। आप अपने आसपास अगर देखें तो जो हम इंसान हैं, गाय, लायन, टाइगर एटसेट्रा, बहुत सारे मैक्सिमम एनिमल जो आपको आसपास दिखते हैं वो क्या हैं? वर्टिब्रेट्स हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी है। और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जैसे कि स्नेल, ऑक्टोपस, बटरफ्लाई, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। तो हम आज ह्यूमन का जो बैकबोन होता है, ह्यूमन का बैकबोन, इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। ये जो इंसान की बैकबोन होती है, ये जो बैकबोन की लंबाई होती है वो 70 सेंटीमीटर होती है, 70 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 70 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। और इसमें कितने वर्टिब्रे होते हैं? मैंने आपको बताया था जो रीढ़ की, ये एक हड्डी नहीं है, ये बहुत सारी हड्डियां छोटी 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 रिंग टाइप में आपस में जुड़ी हुई हैं। तो कितने वर्टिब्रे होते हैं? 33 वर्टिब्रे होते हैं। कितने होते हैं? 33 वर्टिब्रे होते हैं, जो आपस में जुड़ के बने होते हैं। जब ये 33 किस हिस्से में है, कहां कहां पे है, वो इसमें जो ये वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसको कि कहां कहां कौन कौन सा हिस्सा है, उसके आधार पर इसको पांच भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला आता है आपका सर्वाइकल, सर्विक्स जो वर्ड होता है, सर्विक्स। सर्विक्स का अर्थ होता है नेक, नेक। नेक क्या होता है? ये दो, एक दो हिस्से हैं, इनको आपस में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारा धड़ हो गया, ये सर हो गया, दोनों को जोड़ता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सर्विक्स। तो सर्विक्स का सिनोनिम होता है नेक, नेक या सर्विस एक ही चीज है। तो पहला हो गया सर्वाइकल वर्टिब्रे, जो मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रे कौन से होते हैं? जो नेक में ऊपर की तरफ होते हैं। तो सर्वाइकल वर्टिब्रे कितने होते हैं? 7 होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे, यहां पर C1 से लेके, मतलब सर्वाइकल 1 से लेके C7 तक, 1 से लेके 7 तक, ये हो गए सर्वाइकल वर्टिब्रे, जो आपकी गर्दन वाले हिस्से में होता है रीढ़ की हड्डी में। अब उसके नीचे आते हैं थोरैक्स। थोरैक्स क्या होता है? थोरैक्स, ठीक है। थोरैक्स जो होता है, थोरैसिक वर्टिब्रे, वो होता है टी से करेंगे इसको, टी से, T1 से लेके T12 तक, ठीक है, T12 तक, है ना। कितने होते हैं? 12 आपके, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे और 12 थोरैसिक वर्टिब्रे होते हैं। आप अभी इनको एक एक को हम आगे इसको जरा और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना जाने, 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, लुम्बर। लुम्बर कौन सा हिस्सा होता है? जो आपकी कमर होती है, जो बोलते हैं कमर दर्द हो रही है बहुत ज्यादा, ये जो आपका लुम्बर रीजन होता है, जहां पे आपका थोरैसिक वर्टिब्रे खत्म होता है, तो लंबर में आपका L1 से लेके L5 तक, L1 से लेके L5 तक, ये होते हैं 5, ये होती है लंबर। लंबर कितने होते हैं? 5, लंबर 5 होते हैं। उसके बाद है सेक्रल। सेक्रल आपकी जो
कमर होती है, कमर पे आप हाथ रखे दोनों तो महसूस करेंगे जहां पर आपके पैर आकर पेल्विक गर्डल में जुड़ते हैं वो होते हैं सैक्रल, SACRAL, सैक्रल। कितने होते हैं? पांच। और लास्ट में कॉक्सीजियल, ये कॉक्सीजियल जो होता है लास्ट में टेल बोन जिसको बोलते हैं टेल लास्ट में, इसको बोलते हैं कॉक्सीजियल। ठीक है, ये कितने होते हैं? चार। मतलब ये जो रिंग्स हैं जो हड्डियां आपस में मिलके बनी हैं ये सात होती हैं आपकी अपना सर्वाइकल, उसके बाद 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सेक्रल एंड 4 कॉक्सीजियल। टोटल करेंगे तो आपको कितनी वर्टिब्रे हो जाएंगी? 33। याद रखें इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये इंडिविजुअली कई बार पूछे जाते हैं। ये जो अपना आपने देखा तो इसका आपका वर्टिब्रल कॉलम में ये हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया C7T12L5S5C4। इस फॉर्मूले को कहते हैं वर्टिब्रल फॉर्मूला फॉर ह्यूमन बींग्स, वर्टिब्रल फॉर्मूला। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें जो अपना वर्टिब्रल कॉलम, ये जो वर्टिब्रे होते हैं जो हड्डियां होती हैं इस ना, इनके आपस में इनके बीच में हड्डियों को स्ट्रेंथ, मजबूती और मोबिलिटी, थोड़ा सा मोबाइल भी बनाने के लिए हल्का सा फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए, तो इनके बीच में कार्टिलेजिनस डिस्क होती है जिसको हम बोलते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क। वर्टिब्रा के बीच में, इंटर वर्टिब्रल मतलब हर वर्टिब्रा के बीच में क्या होती है? कार्टिलेज की डिस्क होती है ना, ये होती है कार्टिलेज की, अपना कार्टिलेज ही क्या होती है? डिस्क होती है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये जो कार्टिलेज की डिस्क होती है इसे स्ट्रेंथ और मोबिलिटी दोनों, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कमर को आपके प्रोवाइड करती है। तो जो कितनी कार्टिलेजिनस डिस्क होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत बार पूछा जाता है कि कितनी कार्टिलेजिनस डिस्क होती है। तो देखिए, जो सेक्रल की, जो सर्वाइकल की सात है उसमें ऊपर टॉप में नहीं होती, तो इसमें होती है 6 वर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, तो जो सर्वाइकल में कितने होगी वर्टिब्रल डिस्क? 6 हो गई, ऊपर टॉप में नहीं होती है। फिर थोरेसिक जो हिस्से होते हैं 12 जो हड्डियां होती है सबके बीच में होती है, इसमें 12 में। जो लंबर रीजन है, लंबर में पूरे के पूरे 5 में ये वर्टिब्रल डिस्क होती है, सभी के बीच में है। लेकिन जो सेक्रल और कॉक्सीजियल है, सेक्रल की 5 जो हड्डियां हैं वो आपस में फ्यूज होकर एक हड्डी बन गई है बड़ी सी, तो उनके बीच में कोई कार्टिलेजिनस डिस्क नहीं होती है सेक्रल में। हर चीज जो बता रहा हूं सब पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो जो सेक्रल की 5 हड्डियां हैं वो आपस में फ्यूज हो चुकी हैं, आपस में जुड़ चुकी हैं बुरी तरह से, उनके बीच में कोई गैप नहीं रह गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इसलिए इसमें कोई कार्टिलेजियस डिस्क नहीं होती है। इसी प्रकार जो कॉक्सीजियल होती है, 4 कॉक्सीजियल भी फ्यूज है, इसमें भी कोई अपना कार्टिलेजिनस डिस्क नहीं होती है, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होती है। तो आप देखें सिर्फ कॉक्सीजियल, सॉरी सर्वाइकल में 6, थोरेसिक में 12, लुम्बर में 5, ये हो गई आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो टोटल कितनी हो गई? 23। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि कितनी कितनी होती हैं और टोटल कितनी होती है, 23 इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो कार्टिलेजेस होती हैं, कनेक्टिव होती हैं, जो स्ट्रेंथ मोबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं कमर को, और ये होती हैं। इन्हीं के जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जो इसका ये होता है, एक और सवाल कई बार पूछा था कितने कर्व्स होते हैं इसमें, 4 कर्व्स होते हैं। कहां कहां पर? ये हो गया आपका सर्वाइकल कर्व, सर्वाइकल कर्व, ये थोरेसिक, फिर ये लुम्बर, लुम्बर और सेक्रल कर्व। ठीक है, तो जो सिर्फ कॉक्सीजियल को छोड़ के बाकी सारे के नाम पे कर्व्स हैं। ठीक है, ये 4 कर्व्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम ये जो 5 टाइप के वर्टिब्रल कॉलम के जो डिविजन्स थे, हम सबसे पहले जो 7 सर्वाइकल, जो नेक में जो 7 हड्डियां होती हैं वर्टिब्रल कॉलम के, रीढ़ की हड्डियों की जो 7 हड्डियां होती हैं उनको देखते हैं। जो ये 7 होती हैं कुछ इस टाइप की 7 हड्डियां, इनमें जो सबसे टॉप वाली है, सबसे ऊपर जिसके ऊपर आपका सर रखा हुआ है, जिसके ऊपर आपका हेड रखा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं एटलस। एटलस देखें, एटलस क्या होता है आप अगर गूगल करेंगे, एटलस वो है जिसने वर्ल्ड का ग्लोब को अपने सर पर उठा रखा। आपने एटलस साइकिलें देखी होंगी, पीछे मार्क बना होता है एक आदमी ने, बड़ा सा ग्लोब मतलब अर्थ को अपने सर पे उठा रखा है। तो जो एटलस होता है वो आपके सर को अपने ऊपर रखता है, मतलब ये जो सबसे ऊपर वाली बोन है इसको बोलते हैं एटलस। एटलस में क्या होता है, आपका सर इसके ऊपर रखा है, आपका ये हेड है। ठीक है, तो जो एटलस है सबसे पहली बोन उसको बोलते हैं एटलस,
ये क्या है, रीढ़ की हड्डी की सबसे ऊपर वाली सर्वाइकल वन, या जिसको आप सी वन भी कहते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, हेड। हेड में ये दो जगह पे यहां पर ऐसे गैप होते हैं जो आपकी बॉडी को सर को ऊपर और नीचे हिलाने के काम आते हैं, मतलब यस का मूवमेंट होता है इसमें, यस बोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो सर नीचे और ऊपर उठता है, हां, जो इशारा हां का होता है, उस इशारे में इस बोन की वजह से सर आपका ऊपर और नीचे ऐसे ऐसे हिलता है, तो इसको बोलते हैं यस बोन या सी वन या एटलस, फर्स्ट सर्वाइकल सी वन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो ये सेकेंड बोन है ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर का हिस्सा मतलब सी वन और आपका हेड दोनों मिलाकर इस प्रकार घूमते ऐसे ऐसे, मतलब नोक का जो साइडवेज एक्सिस पे, तो इस पे जो जो सी टू है आपका, ये जो बोन है सी टू, इसको बोलते हैं एक्सिस। इसमें क्या होता है, बोन के ऊपर ऐसे एक दांत की तरह निकला, डोंटॉइड, डोंटॉइड मतलब दांत की तरह एक स्ट्रक्चर निकला होता है, जिसपे सी वन और उसके ऊपर का हेड, सी वन होता है उसके ऊपर हेड, ये पूरा का पूरा रोटेट करता है, मतलब ना वाले मोशन में, नो बोलते हैं ना, उस मोशन में होता है, इस बोन को बोलते हैं नो, नो बोन, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, इसको बोलते हैं डेंस, डी ई एन एस, डेंस। तो डेंस जो है, या डोंटॉइड बोलते हैं, ओडोंटॉइड मतलब दांत की तरह निकला हुआ, इसके ऊपर, या इसको एक्सिस भी बोलते हैं। तो इस सेकेंड बोन को क्या बोलते हैं, सी टू को एक्सिस, सी टू इज कॉल्ड एक्सिस। कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट वगैरह में बहुत जरा झटका लगे तो ये जो एक्सिस है ये टूट जाती है ना, एक्सिस टूट जाती है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है बंदों के, अगर ये टूट जाए तो, डेंस टूट जाए तो। ये जो मतलब जो बोन होती है, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये हड्डी है, इसके बीच में से आपका रीढ़ की जो अपना क्या बोलते हैं, ये जो गैप होता है, इसमें से आपका वो अपना जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो गुजरती है। तो ये जो हड्डियां हैं, इसमें कुछ ऐसा होता है कि ये कुछ इस प्रकार की हड्डी, ये साइड में इसमें ना दो होल होते हैं ऐसे, ठीक है। इन सभी में जो C7 जो सात हड्डियां हैं, सभी में क्या होता है कि आपके बीच का इस साइड साइड में दो होल होते हैं, ये हड्डियां हैं, इसके बीच में कार्टिलेजियस डिस्क है आपकी, ये जो होल है इसमें से आपकी एक आर्टरी निकलती है, जो गले में क्या होता है, ये आपके हार्ट से प्योर ब्लड लेके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ये ऊपर की तरफ चढ़ाती है, ये यहां से होते हुए ये ऐसे ऊपर आपके सर की तरफ, ये सर की तरफ ऐसे जाके ऐसे जुड़ जाती है, ठीक है। ये आपके अपना ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है आपका, मतलब साफ खून आपके दिमाग की तरफ लेके जाती है ये, और इनमें जो साइड में ये होल होते हैं, इनमें से होके गुजरती है ये दोनों तरफ, ठीक है। तो ये जो आगे जाके, इसको आर्टरी को क्या कहते हैं, मैं बताता हूं आपको एक सेकेंड। तो यहां से लंग्स में से ये लेके आए, इसको बोलते हैं सब क्लेवियन आर्टरी, जो इधर से गई, सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है, सब क्लेवियन आर्टरी इससे, और इस वाले छेद को क्या बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं फोरामिना, फोरामिन मतलब होल, ठीक है, फोरामिना ट्रांसवर्सिया, इसमें से निकलती हुई ये आपको इधर तक लेके जाती हैं। और ये वाला जो आर्टरी हो, इसको बोलते हैं बैसिलर आर्टरी, बैसिलर आर्टरी, ठीक है। तो जो बैसिलर आर्टरी आपके हेड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, जो फोरामिना ट्रांसवर्सिया से होके गुजरता है, ठीक है, इसको याद रखें, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। उसके बाद देखें, ये जो जो सर्वाइकल होते हैं C1 से C7 तक, C1 से लेके C7 तक, ये सबसे ज्यादा मोस्ट मोबाइल, सभी को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मूव करने वाला, अपने गर्दन को हिला के देखिए, गर्दन, कमर और थोरेक्स वाला हिस्सा, नीचे आपका बटक्स वाला हिस्सा, सभी से ज्यादा मोबाइल होता है आपका गर्दन। तो दिस इज मोस्ट मोबाइल, और ये सबसे छोटी हड्डियां होती हैं जो गर्दन में होती हैं, रीढ़ की हड्डी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब थोरेसिक वर्टिब्रे की तरफ आते हैं, तो यहां से T1 से लेके, थोरेसिक 1 से लेके 12 तक, ठीक है, ये आपका T12 तक, 12 थोरेसिक वर्टिब्रे। जो जो थोरेसिक वर्टिब्रे होती हैं, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी से आपके रिब केज, रिब निकलती है, रिब्स है ना, बहुत सारी रिब्स निकलती हैं, जो फ्रंट में आपके, जो आपके अपने चेस्ट में सामने अगर हाथ रखेंगे तो बिल्कुल बीचों बीच एक अपना हड्डी होती है, जिसको बोलते हैं स्टर्नम,
स्टर्नम। ये जो स्टर्नम होता है पीछे बैकबोन से हड्डियां आती हैं और स्टर्नम में आके जुड़ती हैं। तो ऊपर से जो T1 होता है थोरेसिक 1 जो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम जो T1 से निकलती है हड्डी जो रिब निकलती है 12 पेयर एक इधर से एक इधर से है ना, तो ये आके इधर आगे स्टर्नम में जुड़ जाती है। ठीक है, तो जो T1 से लेके T7 तक ये जो 7 पेयर हो गए, ये कितने हो गए 7 पेयर, ये पीछे से निकलती हैं और आकर स्टर्नम में जुड़ जाती हैं, तो इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। ठीक है, तो रिब केज में 12 पेयर मतलब टोटल 24 रिब्स होती हैं आपकी, जो पसलियां बोलते हैं जिनको। ठीक है, पसलियां 24 होती हैं, 12 पेयर होते हैं जो पहले T1 से T7 तक होते हैं, वो स्टर्नम में आके आगे आगे जो स्टर्नम होता है उसमें लगे हुए होते हैं। उसके बाद जो T8 T9 और T10 है, ये तीन जो हैं, ये जो लास्ट का T7 है ना उसकी हड्डियों में आके ये स्टर्नम में डायरेक्टली नहीं जुड़े होते हैं बट इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को बोलते हैं फॉल्स रिब्स। और लास्टली जो T11 और T12 है ये मतलब ये स्टर्नम में जुड़े ही नहीं होते, ये ऐसे मतलब फ्लोट कर होते हैं, मतलब पूरा हवा में होते हैं ये दो रिब्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो जो 7 हैं वो आपकी हो गई, 7 पेयर हो गया आपका ट्रू रिब्स, फिर फॉल्स रिब्स 3 पेयर हो गया और 2 पेयर हो गया फ्लोटिंग रिब्स। ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिए इस चीज को। ये जो 5 लंबर वर्टिब्रे होती हैं इसमें कोई रिब वगैरह कुछ नहीं होती है, ये 5 हड्डियां होती हैं L1 से लेके L5 तक। ठीक है, और ये सबसे ये क्या होता है बॉडी का पूरा वजन, कमर का जो निचला हिस्सा होता है लोअर बैक जिसे कहते हैं लोअर बैक, अगर कमर में बोलते हैं दर्द हो रहा है लोअर बैक, एक जब भी होता है जब आप कोई भी चीज उठाते हैं बोरी उठाते हैं कोई हैवी सामान उठाते हैं सबसे ज्यादा वजन इन्हीं पे पड़ता है L1 से लेके L5 तक। तो जो मैक्सिमम वेट होता है ना वो कौन उठाता है, ये लंबर वर्टिब्रे, इसकी वजह से सबसे ज्यादा मजबूत भी यही होती हैं और सबसे बड़े मोटे भी होते हैं, बॉडी का सबसे ज्यादा वजन ये उठाते हैं। ठीक है, L1 से लेके L5 तक। ठीक है, और इन्हीं में दर्द होता है जब इन्हीं हड्डियों में, तब कहते हैं लोअर बैक एक हो रहा है। तो आइए चलते हैं सेक्रल पे। ये जो सेक्रल बोन, सेक्रल वर्ड जो है ये आया है सेक्रेड, सेक्रेड वर्ड मतलब जो अंग्रेजी का वर्ड है उसका मतलब होता है पवित्र या होली। तो सेक्रल जो मतलब आपका जो सेक्रल वर्टिब्रल जो डिस्क वर्टिब्रल कॉलम होता है का जो हिस्सा होता है इसे हम होली बोन भी कहते हैं। ये 5 हड्डियां जैसे रीढ़ की हड्डी को आप देखेंगे बहुत सारी जुड़ी जुड़ी ऐसे आएंगी और नीचे एक ऐसे इस टाइप का मोटा स्ट्रक्चर, रीढ़ की हड्डी को अगर आप पीछे से देखेंगे तो इस टाइप की लगेगी एक, और नीचे एक मोटा सा स्ट्रक्चर, ये मोटा सा हो गया यहां पर आपके पैर आके जुड़ते हैं आपके लेग है ना, ये जो मोटा वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं आपका सेक्रल। ये 5 हड्डियां होती हैं जो जुड़ के एक, और यहां पर आपका बनता है पेल्विक गिर्डल जहां पर आपके पैर आकर इसमें जुड़े हुए होते हैं। ये जो मोटा हिस्सा होता है इसमें प्यूबिस नाम की दो हड्डियां, ऐसे प्यूबिस होती हैं ऐसे इस टाइप का जो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके नीचे ये हड्डियां होती हैं प्यूबिस, इनको बोलते हैं प्यूबिस। और ये प्यूबिस जो होती हैं जब ये खुलती हैं इनमें जो गैप होता है, ये प्यूबिस जब ओपन अप होता है जब खुलता है दोनों तरफ से तो जो बच्चा पैदा होता है बर्थ होता है ना चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, ये जो प्यूबिस होता है सिम्फेसिस मतलब ये जोड़ होता है ज्वाइंट होता है। ठीक है, जो प्यूबिस का जो ज्वाइंट होता है सिम्फेसिस ये खुलता है तब बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, तो इसीलिए शायद इसे सेक्रल बोन को होली बोन कहा गया है। सेक्रल 5 होती हैं और ये 5ों की 5 फ्यूज्ड होकर ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसे बन गया होता है। इसमें नीचे जो सबसे नीचे हल्का सा छोटा सा गैप होता है जिसको बोलते हैं इसको बोलते हैं सेक्रल हायटस। जो सेक्रल हायटस होता है इसमें इंजेक्शन दिया जाता है बॉडी का लोअर जो निचला हिस्सा होता है जो पैर होते हैं आप उसको नम करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स में इलाज में है ना इसका इस्तेमाल किया जाता है सेक्रल हायटस।
सेक्रल हाइटस में इंजेक्शन दिया जाता है, नीडल डाली जाती है। तो याद रखें, सेक्रल मतलब होली, सेक्रेड जो आपका हिस्सा है वर्टिब्रल कॉलम का या बैकबोन का। लास्ट में है कॉक्सिजियल, कॉक्सिक्स का मतलब होता है, कॉक्सिक्स मतलब कोयल की पूंछ, तो ये पूंछ की तरह होता है, इसलिए इसको टेल बोन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेल बोन। इसमें चार वर्टिब्रे होते हैं जो आपस में फ्यूज होके एक बन गया होता है, इस टाइप का कुछ, ठीक है। तो ये जो एक बोन बन गया है, इसका कोई फंक्शन बॉडी में नहीं होता है, कोई फंक्शन नहीं होता है, इसे टेल बोन भी कहते हैं, क्योंकि कोयल की टेल की तरह इसका स्ट्रक्चर है, और ये चार वर्टिब्रल कॉलम फ्यूज होके बना है। तो यहां पर खत्म होता है वर्टिब्रल कॉलम का ये लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।